मेरा सपना था यार मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, तो मैंने फाइनली आर्मी के वेलफेयर फंड में कल ही मैंने डोनेट कर दिया था। उसका मैंने प्रूफ डाला, अभी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है। 20,000 रुपीज़ आई हैव डोनेटेड टू आर्मी वेलफेयर फंड। आर्मी वेलफेयर फंड में हमने 20,000 रुपया मैंने डोनेट किया है। यार देश है तो पहले है, मेरा तो देश ही मेरा धर्म है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो यार, आपका देश ही सबसे ऊपर धर्म होना चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूँ, मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, मैं सबसे पहले इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन, और मेरा देश ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और इस देश को अपना धर्म मानने वालों के लिए यार उनकी सेवा करना तो बनता ही ना यार, जो सोल्जर जो सैनिक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल होता है। अब जरा सोचो कि हम लोग दिवाली मना रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या हमारे सैनिक भी मिठाइयां खा रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं? नहीं। आपको पता है कि सरहद पे क्या हाल है? वो अभी भी दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वहीं पे हैं, अपने मम्मी पापा दादा दादी बच्चे पत्नी सबको छोड़ के, भाई बंधु सबको छोड़ के सरहद पे लगे हुए हैं। और बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। दिवाली पर हर कोई क्या कोशिश करता है, हाय मैं चला जाऊँ अपने मॉम डैड के पास में, नहीं मैं अपने घर पर जाकर दिवाली बनाऊंगा, नहीं ऐसा करता है। बहुत सारे लोग घर पर भी चले गए होंगे, अब मम्मा के पास बैठ के दिवाली बना रहे होंगे, नहीं, और या अपने घर वालों के साथ दिवाली बना रहे होंगे। लेकिन सैनिक सोल्जर्स अपनी जान देते हैं यार देश के लिए, उनके लिए देश ही उनकी माँ है। सरहद पे खड़े हैं, माँ के साथ खड़े हैं, ऐसा सोचते हैं, अरे बहुत बड़ी बात है, दैट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। और मैं आप लोगों से कहूंगा, इसलिए हर बच्चे को याद रखना है कि आपका कोई धर्म नहीं है बच्चों, ये बचपन से हर एक बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। आपका सबसे बड़ा धर्म है आपका देश और इंसानियत, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, याद रखना। आपका देश सर्वोपरि है और उसके बाद इंसानियत। अगर आप अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, मतलब देश को आप सर्वोपरि मानते हो और दूसरा इंसानियत को, तो दो चीजें, बस यही धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म है ही नहीं।